और आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। आज विधानसभा में ये विधेयक पास हो सकता है। यूसीसी ड्राफ्ट के चार खंडों के 749 पेजेस पर चर्चा की जा रही है। बिल लागू होने पर रजिस्ट्री शादियां रजिस्टर होंगी, तलाक लिव इन रिलेशनशिप को भी रजिस्टर्ड करना होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और भले ही समान नागरिक संहिता बिल को उत्तराखंड में पेश किया गया हो, लेकिन कानून बनने के बाद यह पूरे देश के लिए एक नजीर का काम करेगा। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर यूसीसी लागू होने पर क्या बदलाव हो जाएंगे, आपकी हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर होने जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। आज विधानसभा में यह विधेयक पास हो सकता है। यूसीसी ड्राफ्ट के चार खंडों के 749 पेजेस पर चर्चा की जा रही है। बिल लागू होने पर रजिस्ट्री शादियां रजिस्टर होंगी, तलाक लिव इन रिलेशनशिप को भी रजिस्टर्ड करना होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और भले ही समान नागरिक संहिता बिल को उत्तराखंड में पेश किया गया हो, लेकिन कानून बनने के बाद ये पूरे देश के लिए एक नजीर का काम करेगा। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर यूसीसी लागू होने पर क्या बदलाव हो जाएंगे, आपकी हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर होने जा रहा है।